नमस्कार, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडिया वोडाफोन स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को डिस्कस करने का मुख्य कारण ये रहा है कि लगातार पिछले 6 दिनों से इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपने इस स्टॉक को पहले से होल्ड कर रखा है या फिर फ्रेश पोजिशन बाय करना चाहते हैं, तो इस एपिसोड में लास्ट तक जरूर बने रहे। जहां इस स्टॉक के सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग रहा था, वहीं इसके प्रमोटर का टेलीकॉम सेक्टर मिनिस्टर के मिलने के बाद कंटिन्यूअस ये स्टॉक तेजी में है। आज से पिछले 1 महीने पहले 8 अगस्त को इस स्टॉक ने ₹4.55 का 52-week लो बनाया और वहां से अब तक का रिटर्न देखे तो 1 महीने में यह स्टॉक डबल का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 7 दिन का रिटर्न देखे तो 35% से ज्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर को मिला है। कुछ समय पहले यानी आज से 2-3 महीना पहले यह स्टॉक 11-12 के प्राइस पे ट्रेड होते हुए दिख रहा था। उसके बाद हुआ ऐसा कि कुछ निगेटिव न्यूज आई। पहला न्यूज ये था कि फंड रेज की जो बात चल रही थी 25,000 करोड़ की, वो फंड रेज नहीं हो पाया। उसके बाद बिरला प्रमोटर ने इस कंपनी के अंदर अपने स्टेक को सेल करने को कहा था। उसके बाद से इस स्टॉक में काफी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि उसके बाद ₹6 के प्राइस पे अच्छा सपोर्ट था और इस समय ये स्टॉक ₹8 के ऊपर ट्रेड होते हुए दिख रहा है और आज बहुत शानदार वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है और 14% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। टेलीकॉम सेक्टर से बात करने के बाद कुछ न्यूज ये भी ट्रेंड हो रहा है कि $1 बिलियन के आसपास की छूट इस कंपनी को मिल सकती है। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल को आप देखें तो पहले जहां इसके कस्टमर कंटिन्यूअस हटते जा रहे थे, वहां ये समस्या खत्म हो गया है। सबसे बड़ी समस्या इस स्टॉक के अंदर ये है कि डेट, साथ में कंपटीशन, टैरिफ, ऑपरेशनल, ये सब परेशानियां तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा ऑपरेशन के अलावा सबसे बड़ा जो परेशानी है वो डेट है। अगर गवर्नमेंट डेट के अंदर अगर कुछ सॉल्यूशन देती है, कुछ खत्म करती है, कुछ माफ करती है इस कंपनी को, तो इस कंपनी का प्राइस यहां ₹8 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, वहां आपको 30+ का टारगेट जरूर देखने को मिलेगा। और जहां सस्टेनेबिलिटी की बात थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सस्टेनेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर पोजीशन लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक के अंदर आप फ्रेश बाइंग जरूर कर सकते हैं। नमस्कार।